पूरे इंडिया का सबसे प्यारा और राज दुलारा गेम, जिसे कि बूढ़े बच्चे नौजवान सभी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये बस एक खेल नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लिए एक इमोशन है। रास्तों के बीच में टीवी और प्रोजेक्टर लगाकर पूरे मोहल्ले के साथ देखा जाने वाला एक लौता खेल है ये। भले ही पूरे महीने कोई टीवी देखे या फिर ना देखे, लेकिन जैसे ही IPL स्टार्ट होता है सभी लोग टीवी पर कब्जा करने चले आते हैं। और यही आपके पास सबसे बढ़िया मौका है अगर आप अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हो। आपको एक हफ्ते का भी टाइम नहीं लगेगा, अपनी पूरी जान लगा दो, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी जाके देखोगे, चाहे वो आपका घर हो, गली मोहल्ला हो, या फिर YouTube या फिर सोशल मीडिया पे जाके देखोगे, हर जगह पे आपको बस IPL का ही चर्चा देखने को मिलेगा। न्यूज चैनल से लेकर सारे स्पोर्ट्स चैनल तक पागल हो चुके हैं पैसे कमाने के चक्कर में। और दोस्तों, न जाने कितने ही लोगों ने IPL के ऊपर अपना चैनल बनाकर बस कुछ ही टाइम के अंदर लाखों हजारों सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है अपने चैनल पर। तो आज मैं आपको पूरा तरीका बताने वाला हूँ कि आप कैसे खुद का एक IPL चैनल स्टार्ट कर सकते हो, जो कि आपको सालों साल पैसे कमा कर देगा। और ऐसे चैनल का सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है, कि 10-15 दिनों के अंदर ही आपके पास हजारों लाखों सब्सक्राइबर हो जाते हैं, मतलब ग्रोथ आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन इन सारे चैनल में कुछ दिक्कतें भी है जो कि आपको IPL खत्म होने के बाद देखने को मिलती है, तो उसका भी 100% सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। देखो, वैसे हर इंसान की जिंदगी में हजारों मौके मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो कि उस मौके का इस्तेमाल करके उस पर मेहनत करता है। क्योंकि बिस्तर पे सोते रहने वालों की जिंदगी वैसे ही लाश की तरह बन जाती है। हर साल IPL के मौके पे हजारों चैनल जो है लाखों रुपए कमाते हैं अपने चैनल को ग्रो कर। तो चलो मैं आपको कुछ चैनल दिखाता हूं। तो यहां पर आप एक चैनल देख सकते हो तनय नाम का, इसके देख सकते हो ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। इसके अगर आप वीडियो में व्यूज देखोगे, बस एक दिन पहले 5 लाख व्यूज, 2 दिन पहले देख सकते हो, एक दिन पहले, ये भी एक दिन पहले, ये भी एक दिन पहले का है, देख सकते हो 8,22,000 व्यूज, उससे पहले 5,30,000, उससे पहले 5 लाख, 7 लाख देख सकते हो 56,000, उसके बाद देख सकते हो 5,34,000, 4,72,000, 4,50,000, इसी तरह जितने नीचे जाओगे भाई, कई सारे वीडियोस में तो मिलियंस में व्यूज क्रॉस हो जाते हैं और हर वीडियो में मिनिमम 5 लाख व्यूज आता ही है। तो आप भी इसी तरह का वीडियो बनाओ, मैंने बोला ना बहुत व्यूज जाता है मेरे भाई, अगर आप इस पे काम करोगे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। और इसी तरह आपको YouTube पर कई सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे भाई, जो कि IPL के ऊपर कुछ भी वीडियो डालोगे भाई वायरल हो जाता है, व्यूज आपको गारंटेड मिलेगा। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर ये IPL के वीडियोस का इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें कॉपीराइट क्यों नहीं आता, तो इसका सीधा सा आंसर है जर्नलिज्म या फिर रिपोर्टिंग। अगर आप किसी को भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए किसी और का कंटेंट का इस्तेमाल करते हो तो उसमें आपको कॉपीराइट नहीं आता है, बल्कि हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वहां पे ऐसा ऐसा हुआ था, तो उसमें कॉपीराइट नहीं आता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं, पूरे YouTube पे आप ढूंढ लोगे फिर भी आपको एक ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जहां पे आपको पूरा YouTube का कोर्स देखने को मिल जाए कि YouTube है क्या चीज, इसमें काम कैसे करना होता है, वीडियो बनाने से लेके शूट करने से लेके एडिटिंग करने से लेके अपलोड करने से लेके कौन सा वीडियो डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, सारी की सारी चीजें कंप्लीट कोर्स आपको आज तक पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा, जो कि मैं आपको देने वाला हूं, वो भी कितने रुपए में, नो पैसा, नो कुछ, बस मुझे आपका प्यार चाहिए, अपने मेहनत के बदले में बस आपका प्यार चाहिए। 1 जुलाई से मैं इसे स्टार्ट करने वाला हूं, 1 जुलाई से मैं पूरा एक यूट्यूब का कोर्स स्टार्ट करूंगा। ये जो खड़े होके मैं बोल रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ये कैसे बनाना है, कैसे खड़े होना है, कैसे लाइट लगाना है, मेरी यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट है, ऊपर लाइट है, कैसा कंडीशन होता है, कैसा सिचुएशन होता है, सारी चीजें कंप्लीट कोर्स आने वाली है। तो अगर तुम सच में सीखना चाहते हो, जैसे हम किताब पढ़ते हैं ना, उसी तरह सारी चीजें आपको सिखा दूंगा। तो 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके रखो अगर आपको फ्री यूट्यूब का कोर्स चाहिए। तो थंबनेल वगैरह सारी चीजें एक एक चीज में आपको बता दूंगा कि करना क्या होता है।
फिलहाल चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा उसे भी जाके ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन से। अब हम बात करते हैं कि हम चाहे तो ऐसे वीडियोस कैसे बना सकते हैं, तो आपको उसके लिए कुछ स्टेप्स को ध्यान में रखना होगा। नंबर 1 फाइंडिंग कंटेंट, नंबर 2 राइटिंग स्क्रिप्ट, नंबर 3 वॉइस ओवर, नंबर 4 यूजिंग क्लिप, नंबर 5 एडिटिंग एंड इफेक्ट्स, नंबर 6 अपलोडिंग एंड SEO, नंबर 7 थंबनेल। ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है, तो ये कंप्लीट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 फाइंडिंग कंटेंट। अगर आप YouTube पर जाकर थोड़ा सा भी सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे कंटेंट की कैटेगरी आपको मिल जाएगी, जैसे कि IPL में खिलाड़ियों के बीच हुए झगड़े, IPL हाइलाइट्स टुडे, IPL स्पेशल मोमेंट्स, IPL इमोशनल मोमेंट्स, IPL टॉप 10 मैचेस, IPL टॉप 10 टीम्स, IPL टॉप 10 कैचेस, IPL टॉप 10 बेटिंग प्लेयर। इस तरह से आप जितना ज्यादा सर्च करोगे उतना ज्यादा आपको जो है कैटेगरी देखने को मिलेगा। इन सब के ऊपर आप एक एक करके वीडियो डाल सकते हो, सभी में व्यूज जाएगा और इन सभी का लिस्ट आप देख लोगे यहाँ पे डिस्प्ले पे, मैं लगा दूंगा। जो जो कंटेंट आपको चाहिए पूरा लिस्ट मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिस्ट डाल दूंगा, वहां से भी आप ढूंढ ढूंढ के वीडियो बना सकते हो। नंबर 2 स्क्रिप्टिंग। तो अगर तुम अच्छा वीडियो बनाना चाहते हो तो हमेशा स्क्रिप्ट लिख कर ही वीडियो बनाना चाहिए। जो भी आप वीडियो में बोलने वाले हो उसे आप पहले से लिख लो, क्योंकि अगर कोई गलती होती है लिखने में तो उसे आप ठीक कर सकते हो, बोलने में अगर बार बार गलती होगी तो उसे ठीक नहीं कर पाओगे। तो पहले से आप स्क्रिप्ट लिख लो, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा इजी है। जो भी आपको वीडियो में करना है बोलना है वो सब कुछ पहले लिख के रख लेना है। नंबर 3 वॉइस ओवर। तो अगर आपको अच्छे से बोलना आता है भाई आप खुद का वीडियो बनाओ, बहुत अच्छा है। अगर बोलना नहीं आता तो आप AI का इस्तेमाल करो, AI से बहुत ही मस्त वॉइस बन जाती है और आप जो है YouTube भी अलाउ करता है AI वीडियो आप इस्तेमाल कर सकते हो। बस आपको सेटिंग चूज कर लेना है, वहां पे AI लेबल करके लिखा हुआ आएगा उसे चूज कर लेना, बस काम हो जाएगा। जैसे कि 11 लैब्स नाम की एक AI वेबसाइट है जहां पे अगर आप कुछ भी लिखोगे तो उसका आवाज बन के आ जाएगा, ठीक है ना, वॉइस बन के रेडी हो जाएगा। तो जाके आप डेफिनेटली उसे इस्तेमाल कर सकते हो, सबसे टॉप एंड नंबर 1 वेबसाइट है वो, खुद मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें मुझसे बात करना है, कोई चीज बतानी है, कुछ जानना है, या फिर यूट्यूब पे क्या नए नियम आते हैं, क्या चीज करने पे सही होगा क्या गलत है, वो सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाता है। चाहे आप पैसे कमाने से हो या फिर कोई गलती हो रही है उससे रिलेटेड, सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ज्वाइन जरूर से कर लेना। मैं जितनी भी चीजें इस्तेमाल करता हूँ अपने वीडियो को बनाने के लिए, चाहे वो एडिटिंग के लिए कोई एप्लीकेशन हो या फिर कुछ भी, सब चीज आपको टेलीग्राम पे मिलता है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। नंबर 4 यूजिंग क्लिप्स। तो देखो क्लिप आप कहां से जुगाड़ कर सकते हो, एक तो गूगल से हो गया, जितने चाहे फोटोज वगैरह आप गूगल से जो है जुगाड़ कर सकते हो, और दूसरा हो गया कि आप जो है लाइव मैचेस जो होते हैं उससे आप फोटोज स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा आप वीडियो भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन 6 सेकंड से ज्यादा क्लिप आप एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। थोड़ी देर 6 सेकंड इस्तेमाल किया, फिर थोड़ा 6 सेकंड इस्तेमाल किया, इस तरह से कर सकते हो, लेकिन करना कैसे है वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा लाइव करके। नंबर 5 एडिटिंग एंड एडजस्टमेंट। तो एडिटिंग कैसे करनी है चलो मैं आपको डिस्प्ले पे दिखाता हूँ। तो देखो मान लो कि मेरे पास एक पूरा IPL का मैच है, ठीक है, तो अभी मैं आपको आज तक के वीडियो का एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा। आपको थोड़ा बहुत एडिटिंग तो आना ही चाहिए, वो सब आप देख लेना। तो देख लो यहाँ पे आज तक के चैनल का मैंने एक वीडियो डाउनलोड किया है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने भी इस तरह से मैच का हाईलाइट वीडियो बनाया है, लेकिन उन्होंने वीडियो का इस्तेमाल नहीं किया। देख सकते हो किस तरह से स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल किया गया है, देख सकते हो। आप भी इस तरह से जो लाइव मैच है ना उसमें से आप स्क्रीनशॉट लेके जितना मर्जी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर मान लो कि आपको थोड़ा वीडियो इस्तेमाल करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा वीडियो, मतलब 2 से 4 सेकंड तक का वीडियो आप इस्तेमाल कर लेना, उसके बाद फिर से फोटोस वगैरह इस्तेमाल करो, उसके बाद 2 से 4 सेकंड फिर से इस्तेमाल कर लेना, कम से कम थोड़ी देर बाद बाद, उसके बाद फिर से फोटोस का इस्तेमाल करो, उसके बाद फिर से 2-4 सेकंड आप वीडियो इस्तेमाल कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी कॉपीराइट वगैरह कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। और इसी तरह से सारे न्यूज़ चैनल वगैरह सभी लोग इसी तरह का इस्तेमाल करके अपने जो है वीडियोस को बनाते हैं और उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होता। नंबर 6 अपलोड एंड SEO। तो देखो आपको वीडियो जो है नॉर्मली अपलोड करना है और उसके बाद आपको देखना है जो भी आपके कैटेगरी में पॉपुलर चैनल्स है वो जैसे वीडियो में टाइटल थंबनेल एंड जो टैग्स वगैरह लगाते हैं उसी तरह से आपको लगाना है, बाकी कुछ ज्यादा खास करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लो कि मैं IPL फनी मोमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाता हूं, तो मैं गूगल पे या फिर यूट्यूब पे जाके सर्च करूंगा, यूट्यूब पे ही सर्च करूंगा ऑफकोर्स,
उसके बाद जितने भी वीडियो आएंगे जो पॉपुलर वीडियोस है उनको आप ओपन करके देखो कि उन्होंने कैसे टाइटल लगाया है, क्या थंबनेल लगाया है और कैसे टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन लगाया है। उसी से मिलता जुलता आपको भी खुद का बनाकर लगा देना है। और बाकी देखो, अगर वीडियो आपकी अच्छी है तो ज्यादा आपको SEO करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली YouTube खुद आपके वीडियो को वायरल कर देता है। नंबर 7, थंबनेल। तो अगर आपको अच्छा थंबनेल बनाना आता है, अच्छे थंबनेल बनाओगे तो व्यूज बहुत अच्छा जाता है। लेकिन मान लो अगर आपको थंबनेल बनाना नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो भाई, आप भूल जाओ, पहले जाके थंबनेल बनाना सीखो, क्योंकि थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट है YouTube वीडियोस में व्यूज लाने के लिए। और जिसको भी थंबनेल बनाना आता है वो पहले सबसे पॉपुलर वीडियोस को देखो कि उनके थंबनेल कैसे हैं। उसी तरह से आपको भी थंबनेल बनाना है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा आप बना देना। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक गेम के बारे में बताना चाहता हूँ। मान लो मेरे पास एक तरफ जो है एप्पल है, एक तरफ ऑरेंज है। बस आपको इतना बताना है एप्पल जीतेगा या फिर ऑरेंज जीतेगा। अगर आपने सही बता दिया तो आपको तुरंत जो है कैश मिल जाएगा, ठीक है ना, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। इसी गेम को खेल के मैं डेली के 400-500 रुपए के करीब जो है आराम से अर्न कर लेता हूं, ठीक है ना। तो ये करना कैसे होता है, क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हमारा मेन टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, वहां पे भी मैं बताता रहता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरा एक सेकंड टेलीग्राम का लिंक मिलेगा या फिर कमेंट सेक्शन में भी मिलेगा, आप वहां से भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो, सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। तो देखो, मैंने आपको अब कंप्लीट बता दिया, लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूँ कि वो प्रॉब्लम क्या थी जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो मान लो कि तुमने एक IPL का चैनल खोल लिया, उसमें 10-15 दिन के अंदर आपको 30-40 हजार सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। अगर आप शॉर्ट वीडियो डालोगे तो बल्ले बल्ले भैया, क्योंकि लाखों में सब्सक्राइबर उसमें बढ़ने लगते हैं। लेकिन मान लो कि एक बार सब्सक्राइबर बढ़ गया, उसके बाद क्या, जब IPL खत्म हो जाएगा तब आप क्या कर सकते हो? कई लोग सोचते हैं कि IPL खत्म होने के बाद मेरा चैनल बर्बाद। नहीं भाई, IPL है, T20 वर्ल्ड कप है, कई सारे टेस्ट मैचेस होते रहते हैं। आपको क्या करना है, जो क्रिकेटर है उनके बारे में आप बायोग्राफी डाल सकते हो, उनके बारे में स्टोरी डाल सकते हो, जो नए नए न्यूज आते हैं मार्केट में वो डाल सकते हो। मतलब क्रिकेट से रिलेटेड, क्रिकेटर से रिलेटेड सारी चीजें आप डाल सकते हो। आप चाहे तो फुटबॉल वगैरह भी ऐड कर सकते हो, फुटबॉल का भी मान लो वीडियोस आपने डालना स्टार्ट कर दिया। मतलब खेल से रिलेटेड जितने भी वीडियोस है वो सारी चीजों इस्तेमाल करके आप जो है सालों साल यहाँ पे पैसे कमा सकते हो। इसके अलावा भी आप जो है लोगों को क्रिकेट के बारे में रूल्स वगैरह सिखा सकते हो, सारी चीजें बता सकते हो कि उन्हें कैसे क्रिकेट मैचेस खेलने चाहिए, कैसे उन्हें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, अगर वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो आपके पास कॉन्टेंट की कमी कभी नहीं होगी, जिसके पास दिमाग होता है वो हर रास्ता ढूंढ लेता है। बाकी दोस्तों, अगर अभी आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज से लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं जो भी बताता हूँ 100% आपका प्रॉफिट होता है तभी बताता हूँ। तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।